नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक नए पाठ के साथ, जिसका शीर्षक है वर्ग पहेली। बच्चों, किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसके अधिक से अधिक शब्दों से हम परिचित हों। हम जितना अधिक शब्दों के बारे में जानेंगे, उस भाषा पर हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। इन शब्दों को किताबों से निकाल कर लिखना और उन्हें याद करना आपके लिए एक उबाऊ काम है, परंतु यदि इन शब्दों को आप खेल खेल में सीखें तो कैसा रहेगा। आज वर्ग पहेली में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसमें कुछ बॉक्स में बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं। उन अक्षरों के माध्यम से आप कई सारे शब्द बना सकते हैं। इन्हें बनाते समय आप हिंदी के शब्दों से परिचित होंगे, साथ ही साथ आपका मनोबल भी बढ़ेगा। कई बार कक्षा में वर्ग पहेली को बच्चे एक प्रतियोगिता की तरह हल करते हैं। इस प्रतियोगिता में जो बच्चा सबसे पहले अधिक शब्द बनाता है वह विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो आइए अब हम वर्ग पहेली का एक उदाहरण देखते हैं। बच्चों, आपने देखा कि इस वर्ग पहेली द्वारा हम कई सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ दो अक्षरों के छोटे शब्द हैं, तो कुछ तीन अक्षर के, तो कुछ चार अक्षरों के भी शब्द हैं। हर एक शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बाएं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे की तरफ शब्द बनाते हैं, जैसे कारीगर, समय, काल, रसोई घर, परिवार, मनाही, दम, हद। इसके अलावा भी इनसे कुछ शब्द बन सकते हैं, वो काम हम आपके लिए छोड़ते हैं। इस तरह इन शब्दों की संख्या लगातार बढ़ती ही जाएगी। कुछ लोग एक वर्ग पहेली से सिर्फ 10-12 शब्द बनाते हैं, तो कुछ लोग 30-40 शब्द भी बना लेते हैं। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने वर्ग पहेली नामक इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।